नीरज, क्या है? तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर पता है? तीसरे वाले का इंटेलिजेंट निकले। इंटेलिजेंट। नीरज, स्पेलिंग क्या है इंटेलिजेंट की? तुझे इंटेलिजेंट की स्पेलिंग नहीं पता है? तो कौन कह रहा है? मुझे तो सब पता है, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कहीं तू ना गलत ना लिखती हो। हाँ भाई बता, आज के टेस्ट में तुझे कितने क्वेश्चन के आंसर याद हैं? बता ना। भाई बच्चे बहुत जाहिल हैं इस क्लास के, सर कुछ पूछ रहे हैं तुझसे। अच्छा, अरे भाड़ू, तुझसे पूछ रहे हूँ। मैंने तो ये क्वेश्चन ही पहली बार देखे हैं, फिर भी तुम दो मान लो। चल दो में से कोई एक सुना दे। ये वाला खेलूंगा नहीं मैं, जब रिटर्न टेस्ट है तो मैं लिखूंगा। पर मैं तो सुनूंगा बेटा, क्यों, तुमसे पढ़ा नहीं जाएगा? जबान चलवाऊं तुझसे? पहले तो ये बता दे, तू बनना क्या चाह रहा है? डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्यों? वो ऐसा हमारे घर में ही 7 मरीज है, तो खाली नहीं बैठूंगा, काम चलता रहेगा। तेरी साली, बस 15 मिनट के बाद सबकी कॉपी जमा कर लूंगा। सर ये मेरा देख के लिख रिया। भाई तुझे शर्म नहीं आ रही? क्यों नंगा बैठा ये? अब तेरे 50 नंबर कटेंगे देख। ना तुमने सुबह सिलोचन सूंघ ली यार, 10 नंबर का तो टेस्ट है, 50 कहाँ से काटोगे तुम? बोलवाऊ तुझसे जय भाई, ऐसी क्या चीजें हैं जो बगैर पानी के जिंदा रह सकती हैं? औरतें। वो कैसे? खून पीने लगेंगी। अरे ना मान्या तू। सर प्लीज टॉयलेट चला जाऊं? जाओ। सर मैं भी टॉयलेट चला जाऊं? तू टॉयलेट क्यों जाएगा भाई, मेरे लिए फिल्म लगी हुआ। अरे यार ना कमाल की बात हो गई यार, जब ये टॉयलेट करने जा रहा है तो मैं भी टॉयलेट में टॉयलेट ही करने जाऊंगा। ना तुझे सुबह ही टॉयलेट लग जाए? यो तुम अलार्म सेट कर दो, इसमें कोई जुगाड़ तो मेरी तो मान नहीं रहा। ना फालतू बोल लिया, चल एक क्वेश्चन का आंसर दे, भेज दूंगा। पूछो। पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ था? पहले वाले विश्व युद्ध की ना पता, मुझे दूसरे की पता। तो बता फिर दूसरा क्यों हुआ था? क्योंकि पहले वाले में मरे नहीं ना सब। तेरी साले भाई, रहने दो। सोनू देखे ना समझा ले, मैं वैसे स्कूल यार घर से बहुत चेत हुआ आता हूँ। मेरे ऊपर हाथ डाला, अब देख मैं क्या करूंगा। ना मैंने तेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी, कपड़े फाड़ कर थाने में को क्यों ना चला जा? इस क्लास का मॉनिटर हूँ मैं। अरे मॉनिटर तो इतने चौड़े में कहता जैसे इसके नाम पे स्कूल हो। बिना तनख्वाह का चपरासी है तू। अरे ये क्लास में क्या हो रहा है? फिल्म चल रही है, तुम यहाँ बैठ के देखियो। आ जाओ मास्टर साहब। तो उससे सीधा जवाब नहीं दिया जाता है? तुम सुबह पता नहीं यार कौन सा नमक सूंघ लेते हो, मतलब क्लास में पढ़ाई हो रही है कि क्या हो रही है? सर इसने मुझसे चपरासी कहा है। अरे ये तो पागल है, तू आके ब्लैक बोर्ड साफ कर दे। ना भाड़ू हंस रहा है, तेरे अम्मा बाप तुझे स्कूल क्यों भेज रहे हैं तुझे पता भी है? बताई ना उन्होंने मुझे, ऐसी रोज हकाल दे और हमारी बात भी बहुत कम हो गए तेरी तो। हाँ तो क्लास, एग्जाम में 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिट, क्या हुआ जय भाई? अरे हम 6 महीने तक पूरी किताब पढ़ रहे हैं सोनू। हम भी तो। अरे 3 क्वेश्चन तो 2 दिन में याद हो जाते हैं यार। अरे तेरी क्या परेशानी है जय, बता दे मुझे। कुछ ना। किताब कहाँ तेरी? मैं सोनू की किताब में देख कर पढ़ लूँ। अपनी में देख कर क्यों नहीं पढ़ लिया? मेरी किताब में सही बातें नहीं लिखी तेरी साले। देख सोनू मुझे दिखा दे, वरना तुझे बाहर जाकर मारूंगा। सर ये जैब मुझसे कह रहा है मुझे दिखा, वरना बाहर जाके मारूंगा। बेटा जैब। जी सर। देख के लिखोगे तो कामयाब नहीं होगे, हमने किसी का देख के नहीं लिखा, हमें ही देख लो ना। तुम्हें क्या देखो, तुम तो हुए ही नहीं कामयाब। अरे तुमको क्या लगता है क्या पैसा कमाने वाला ही आदमी कामयाब होता है? अरे ये तो तुम्हें भी लगता है, कोचिंग के 300 रुपए के चक्कर में तुमने राजू यहाँ से लेकर लाइब्रेरी तक घसीटा कर। वो तो मुझे जरूरत बहुत थी, लेकिन देखो पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। ये बात तो सही कह रहे हो तुम सर। अच्छा तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम क्या खरीदते? तुम्हें तेरे मुंह पर स्टूल मारूंगा, तू मेरी कीमत दे देगा? कितनी कीमत, कितनी कीमत है? तुमने 700 रुपए में पास करा इसे? भाड़ू बहुत बोल लिया, तुझे पता आदमी के लिए पैसा उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, इसीलिए सर ने सभी बेच दी। जाहिलो हमने कभी अपने मास्टर के सामने मुंह नहीं खोला। ना तुम मुंह क्या खोलोगे जब तुमने मास्टर के डस्टर मार के उसका सर ही खोल दिया। यार किताब में हमारे मतलब का तो कुछ लिखा ही नहीं है। अजय जय भाई क्या है आज यार, तुम मुझे न्यूटन के बारे में बताओ। देखो न्यूटन के अब्बा का सेब का बाग था। अच्छा तो न्यूटन भाई साहब एक दिन सेब के पेड़ के नीचे बैठे, उसके सर पर सेब गिरा और बेचारा न्यूटन पागल हो गया। अजय पर सर तो कहते उन्होंने लॉ लिखा है। 1 2 3 में ABCD मिला दी, इसे लॉ कह गए। चल रहे आप खड़ा हो जा, तू खड़ा हो, चश्मा लगा के देखो हुई से दिख जाऊंगा। ना फालतू बुलवाऊ, मेरे पैर में चोट है सर। तो स्कूल कैसे आया? सर के बल आया। अरे देख मान जा, तुझे कुछ बनना है कि नहीं बनना है? क्यों नहीं बनना है, बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा। अरे वाह, साइंटिस्ट बन के क्या बनाओगे? बल्ब बनाऊंगा। तो थॉमस एडिसन ने क्या लालटेन बनाई है भड़वे? अपने घर में मैं खुद का बना के लगाऊंगा, उसकी तो बिल बहुत आ रही है। तेरे मारा साले, अब्बा क्या कर रहे हैं रे तेरे, या वो भी बत्ती बना रहे हैं? हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही देखो कुछ ना कुछ बनाएंगे। क्यों? कल उनके सर पर नारियल गिर गया था। तेरे साले, आज टेस्ट में जो एक क्वेश्चन नहीं सुनागा एक हड्डी टूटेगी, उसकी ध्यान रखना। जय भाई तो फिर व्हील चेयर पे ही जाएंगे। बोलवाऊं तो फालतू। हाँ भाई तू सुना दे, न्यूटन के 3 लॉ सुना। मैं? हाँ तू।
बहुत पुरानी बात हो गई सर ये, मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि उसके सिर पर सेब गिरा था। अरे तो उसने कुछ लिखा था उसके बाद, क्या लिखा था? तुम्हारी जान की कसम सर, उसने मुझे कुछ ना बताया इस बारे में, कसम से। अरे उसने वो तीनों लॉ किताब में लिखे थे। अच्छा बढ़िया, करा कहीं भूल जाता, पर मेरे सामने से कोई बात हुई नहीं ना, मैं तुम्हें बता दूं। अरे तू एग्जाम में क्या करेगा यार? वो तो मैं इसका देख के लिख लूंगा, मेरी बात हो गई 2 समोसों में। अरे सर इससे मधुमक्खी के बारे में पूछो, मधुमक्खी के। हाँ भाई मधुमक्खी के बारे में अरे बता। मेरी खाला की लौंडिया थोड़ी, मैं तुम्हें मधुमक्खी के बारे में बता दूंगा अरे यार। बुक में लिखा हुआ है मधुमक्खी के बारे में बता। बाहर छत्ता लगा, छेड़ कर देख लो, खुद बता देंगे वो तुम अपने बारे में। तू रहने दे भाई, तेरे बस की बात ना, कुछ भी रहने दे। पूछ लो सर, बाद में मत कहियो मैंने कुछ बताया नहीं तुम। हाँ मैं साफ कह दे रही हूँ। अच्छा ये बता, पृथ्वी चांद का चक्कर लगाती है या चांद पृथ्वी का? इतनी दूर की मैंने सोची ना अभी जो भी एग्जाम में चीटिंग लेकर आया अभी मुझे दे दे, उसके लिए अच्छा होगा। कैसी चूतियों वाली बातें कर रहे हो सर तुम। अगर अभी तो मैं दे देगा वो चीटिंग, तो बेचारा लिखेगा क्या, ये तो सोचो। तो इसका मतलब है तू लेकर आया है चीटिंग? मुझसे ये चीटिंग फिटिंग की बात है तो करना मत ना, मैं लेकर आता हूँ। मैं तो जो लेकर आया उसका देख के लिखूंगा। जय भाई, ओ कर का हकार लिया घोड़ा हूं मैं, क्या है अजी, वो तुमको पता है पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? बेटे। पहला विश्व युद्ध तो बहुत पहले ही हो गया, मुझे तो लास्ट वाला भी याद नहीं है। अरे सर मुझे बी कॉपी दे देना और धागा भी दे देना उसको बांधने के लिए। सर 2 धागे दे दियो। क्यों अरे बेटा तू भी बी कॉपी लेगा? मजाक कर रहा हो सर, मुझसे तो 1 कॉपी के भी पन्ने नहीं गिने जा रहे हैं, वो तो पैंट का बटन टूट गया, बांध हुआ इसे। अरे तू अपनी जिंदगी में बनना क्या चाहता है? बनना तो साइंटिस्ट चाह रहे हो सर, पर मेरे सर पर सेब नहीं गिर रहा तेरी यार। तो